हेलो एवरीवन, आज हम 10th मैथमेटिक्स में 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप। तो पहले नंबर पे हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त में यहाँ पे केंद्र बिंदु दिखा दिया हमने ओ, इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, और इसकी त्रिज्या 21 है, तो आप 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिखा रहे हैं। ये 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। यहां से आप ए से डिनोट कर देता हूं मैं इसको। इसकी एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप 60 डिग्री का कोण दिखा देंगे। सीधी सी बात है कि अगर मैं सीधी लाइन लगाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, उससे कम थोड़ा सा लगा देता हूं मैं तो दैट विल बी द 60, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये यहां से लेके ए से लेके यहां, इसका मैं पॉइंट का नाम देता हूं बी। ए से लेके बी तक की जो चाप है वो हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ज्ञात वृत्त में यहां पे केंद्र बिंदु दिखा दिया हमने ओ, इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, और इसकी त्रिज्या 21 है, तो आप 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिखा रहे हैं। ये 21 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। यहां से आप ए से डिनोट कर देता हूं मैं इसको। इसकी एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप 60 डिग्री का कोण दिखा देंगे। सीधी सी बात है कि अगर मैं सीधी लाइन लगाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, उससे कम थोड़ा सा लगा देता हूं मैं तो दैट विल बी द 60, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये यहां से लेके ए से लेके यहां, इसका मैं पॉइंट का नाम देता हूं बी। ए से लेके बी तक की जो चाप है वो हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ज्ञात कीजिए, पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। यहां पे राइट करता हूं फर्स्ट नंबर, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र रहेगा थीटा बटे 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। अभी आपको बताता हूं मैं चाप कहां से कहां तक है। ए से लेके बी तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक कोई जो है व्यक्ति चलता है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो चाप की लंबाई हमने निकालनी है। और एक चक्कर में जब हम पूरी दूरी तय करते हैं, एक चक्कर के अंदर वो परिधि होती है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो ये 2πr है। और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करनी है तो उसके लिए कोण चाहिए। कोण हमारे पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहां पर राइट कर देंगे। 60 बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 को 2 लिखा, पाई का मान 22/7 कर दूंगा, त्रिज्या आपकी 21 हो जाएगी। 21 राइट कर रहा हूं, 7 × 21 कट जाएगा, इधर 6 × 6 = 36, 6 पे कट गया है, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके पास 22 सेंटीमीटर, यहां राइट भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट वन, दूसरे नंबर में हमारे पास है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड, ये हमारे पास त्रिज्यखंड है, ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये जो एरिया आ गया यहां से लेके सारा एरिया जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आपका त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। नंबर 2 पे यहां राइट कर रहा हूं मैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड कौन सा, ये ए ओ बी, यहां राइट कर सकते हो आप ए ओ बी। यहां पे ऐसी चाप आपकी क्या थी, ए से लेके बी तक ए बी, तो यहां भी आप ए बी राइट कर सकते हो। स्पेस मेरे पास कम है, आप आगे लिख सकते हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र भी लगभग सेम जैसे थीटा बाई 360 है, तो यहां भी थीटा बाई 360 राइट कर देंगे। ये थीटा बटे 360, और लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात आई है, ये सारा क्षेत्रफल अगर निकालने तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अब पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमने केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इतने एरिए का, इस त्रिज्यखंड का, तो उसके लिए कोण चाहिए। कोण हमारे पास 60 है, इसको मैं 60 राइट कर रहा हूं, तो 60 बटे में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान 22/7 कर देता हूं, और त्रिज्या हमारे पास यही है 21, तो
तो इसकी भी शक्ति दो क्या जाएगा 21, यहां थोड़ा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो भाई, 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 7 ये 21 कट जाएगा ये, और यहां से 6 6 36, तो ये 6 पे कट गया, आगे 3 दूनी 6 कट सकता है और 2 को 11 पे कट जाएगा। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 आगे सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर की शक्ति दो, तो ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा नंबर 2 में। अब नंबर 3 की बात आई है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा क्या है, देखिए जीवा बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, संगत जीवा 60 डिग्री से जीवा, ये देखो एक लाइन और ले रहा हूं मैं यहां से लेके यहां तक, तो ये जीवा ले ली, तो जीवा के बाद ये जो एरिया बच गया ये वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है, और इस क्षेत्रफल का निकालने के लिए इसका कोई हमारे पास सूत्र नहीं होता, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज कौन सी है, देखिए ए ओ बी त्रिभुज बन रही है, तो आप हम यहां राइट कर देंगे, यहां नंबर 3 में राइट कर रहा हूं मैं, नंबर 3 वृत्तखंड का, वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला, ये जो है ए और बी की जीवा के साथ ये जो वृत्तखंड बन रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, इक्वल टू क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ये त्रिभुज ही है, ये वाली त्रिभुज है ए ओ बी, यहां राइट भी कर सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अभी यह इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया मैंने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं, देखिए आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 है, 231 यहीं से ले लेंगे, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस ये त्रिभुज ए ओ बी है, इस त्रिभुज की बात। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे देखिए ये 21 है, यहां भी 21 है, तो और ये भी भुजा इनके तीनों के समान है, ये तीनों भुजाएं समान है, 1 2 3, क्योंकि ये तीनों का कोण 60 60 डिग्री का आएगा, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी हमारे पास, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, उसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 a², तो ये समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज होती है, तो उसका सूत्र ये मैंने राइट कर दिया। उसके आगे का राइट करेंगे, 231 माइनस √3/4 एज इट इज राइट कर देंगे, और ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, ये जो है इसकी भुजा, भुजा हमारे पास 21 है, और 21 की शक्ति 2 यहां राइट कर रहा हूं, तो उसके उससे भी आगे लिख सकते हैं, जैसे 231 को 231 लिखा मैंने √3/4 एज इट इज, और 21 की शक्ति 2 को 21 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 की 441 होता है, तो 441 यहां राइट कर देंगे। तो इस पर तरह से आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे √3 है इसकी वैल्यू रख के, इस तरह से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां तक ही अभी दिखाना था, तो यहां तक हमने दिखा दिया है। तो इस प्रकार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये डायग्राम अच्छे से बनाते हैं साथ साथ, तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो है इस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू।